नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे हैं। और आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के, राजस्थान के भूगोल में दोस्तों उद्योग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में दोस्तों आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसका अंदाज़ा आज के वीडियो में दोस्तों आपको होगा। और ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। तो क्लास को पूरा देखना है कम्प्लीट। और PDF के लिए दोस्तों आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है यूट्यूब पे, और उसी का जो टेस्ट होता है वो आपका सैटरडे टू संडे टेस्ट होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल डाउट अगर आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए बताइए कब राजस्थान वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। 1955 के अंदर कब की गई, 1955 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य, कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है, बताइए दोस्तों कहाँ किया जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसे भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, किया जाता है। वैसे सारे इम्पोर्टेंट ही है। बालोतरा में, कहाँ पर, बालोतरा के अंदर हाथ से कागज का निर्माण दोस्तों किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिश की इकाई राजस्थान किस जिले में पाई जाती है, मतलब ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग का काम किस जिले में दोस्तों आपको बताना है इसका उत्तर। तीसरे का बताइए कहाँ पर होता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर भी होता है, उदयपुर में भी होता है, और चित्तौड़ की, यानी तीनों जिलों में होता है। इसका मतलब ये सभी इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सभी जिलों जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब की गई थी, किस कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, कौन सी पांचवी, यानी दो नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, दोस्तों ये उत्तर तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन, कई बार दोस्तों पूछा गया है ये, अगर उत्तर मालूम नहीं तो आपकी तैयारी दोस्तों बिल्कुल ही कम है। सूती वस्त्र उद्योग है, क्या है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों छठे का, कब की गई थी, 1961 को। जितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके आप जरूर उत्तर दीजिएगा, और इन प्रश्नों की PDF मिल जाएगी तो नोट करके रखिएगा, एग्जाम में जाते समय इनको पढ़ के जरूर जाना है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सीमेंट बनाने वाली राजस्थान की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां पर स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सफ़ेद सीमेंट बनाने वाला राज्य की पहली, यानी राजस्थान की पहली 1984 में। प्रश्न देखो, एक प्रश्न में उत्तर है कि राजस्थान की पहली है और कब, 1984 में। दो प्रश्नों को उत्तर दे दिए क्वेश्चन में, बताओ इसका उत्तर बताओ सातवें का, किसे पता भैया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा क्या होगा उत्तर इसका। नागौर के अंदर है गोटन नमक स्थान, नागौर, ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। राजस्थान में बिजली की मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है कौन सी भैया, बिजली की मीटर बनाने वाली प्रसिद्ध फैक्ट्री क्या होगा आठवें का उत्तर। जयपुर में मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर के अंदर प्रसिद्ध फैक्ट्री है, ठीक है, जो बिजली की मीटर बनाती है। वैसे सारे जयपुर में बता रखी है इसमें,
लेकिन एक नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है बताइए दोस्तों, टोंक में, कहाँ पर? टोंक, इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? ये भी दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर भी इजी है, सभी को पता होगा, श्रीगंगानगर। क्या होगा? श्रीगंगानगर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दुष्ट क्रांति संबंधित है, कुशल क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है भैया? सीमेंट उत्पादन से संबंधित। दोस्तों दो नंबर ऑप्शन सही करेंगे, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। ये जो पीली हरी है ना, ये क्रांति मैंने करवा रखी है और एक शॉर्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा उनको एक साथ, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ये सभी को इसका उत्तर शायद मालूम हो। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर, पहला ऑप्शन दोस्तों सभी सही करेंगे, सभी को मालूम हो, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में भी था 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की साइंस के अंदर ये प्रश्न आता है कई बार। बताइए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरसों का तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सरसों तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला भैया? राजस्थान में सरसों तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, 13वें का उत्तर क्या होगा? भरतपुर। क्या होगा? भरतपुर। अगला प्रश्न, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब की गई थी? 14वें का क्या उत्तर होगा? 1939 के अंदर। कब की गई थी? 1939 में। दो नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे, दोस्तों ये क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है और थ्योरी की क्लास से पहले हो चुकी है, इसी वजह से क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ। अच्छा प्रश्न एक और, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? टेक्सटाइल सिटी कौन सी है बताइए? क्या होगा 15वें का? भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स कब स्थापित की गई थी? कब की गई थी? 1938 के अंदर, 1938 में। हिंदुस्तान मिल मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, कहाँ पर है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कहाँ पर है? 17वें का क्या उत्तर होगा? अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर में। ये क्या है भैया? बाखला। बाखला क्या है प्रश्न पूछा गया है आरएस के अंदर, बाखला क्या है दोस्तों? बाखला है कि तोगड़िया यानी ऊंट का एक बच्चा जिसे हम बोलते हैं, कि बालों को धागा बनाने के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा। इनके बालों जो बाल होते हैं कि का धागे के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा, इनके बालों से जो धागा बनाते हैं उससे कपड़ा जो तैयार करते हैं उसे हम बाखला। तीन नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषिगत औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ये अच्छा प्रश्न है, किसानों से संबंधित है, तो ये प्रश्न हमेशा पूछे, किसानों से संबंधित प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों 19वें का,
श्री गंगानगर गजसिंहपुर के अंदर, श्री गंगानगर के अंदर है गजसिंहपुर। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी सबको पता है हमारे जयपुर के अंदर, कहाँ पर है? जयपुर में सर्वाधिक दोस्तों इसका काम देखने को मिलता है। तो ये थे दोस्तों टॉप क्वालिटी के 20 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए थे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उद्योग से संबंधित। बाकी आप उद्योग के टॉपिक को एक बार अच्छे से रीड कर लें, जब भी पेपर देने जाएं इस पीडीएफ को एक बार जरूर देख कर जाएं, प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। कई बार प्रश्न रिपीट भी दोस्तों हो जाते हैं, तो उसी का फ़ायदा हमें मिल जाए। इसी वजह से मैंने आपके सामने 20 प्रश्नों का समाहार रखा। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये कमेंट में आपको बताना है। लगभग हमारी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है, देखते हैं क्या टॉपिक रह गया है। अगर रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर जल्दी से हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट करते हैं जो कि आपके हाईकोर्ट LDC के अंदर बताया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आंसर की भी मैंने डाल दी है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।